गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर मासा और लासा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कुछ चीजें याद रखिए, मासा इसका मतलब होता है महत्तम समापवत, पर इसका जो आंसर आता है हमेशा छोटी संख्या आता है। लासा इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवत, पर इसका आंसर हमेशा बड़ा आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब महत्तम नाम कितना बड़ा और आंसर इसका छोटा सा है, लघुत्तम नाम बिल्कुल छोटा, लघु माने छोटा, पर इसका आंसर हमेशा बड़ा। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब आप देखिए गुणनखंड विधि से मासा निकालिए। गुणनखंड विधि से मासा निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन सभी संख्याओं का गुणनखंड करना होगा। कैसे? जैसे 144 दो से कटेगा, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो तीन 6, दो छह 12, दो 28, दो नौ 18, तीन 9 और 3 एकम 3। देखिए ये आ गया। अब 144 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3। इसका काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या है? 252। अब इसका निकालेंगे, 2 × 2 2 × 2 2 × 4 2 6 12 2 6 12 2 3 6 3 2 6 3 1 3 3 7 21 7 7। सो 252 का क्या आ गया? 2 × 2 3 × 3 और फिर लास्ट में 7। अब मेरी 630 डिजिट है। अब 630 का फाइंड आउट करिए। लास्ट डिजिट हमारी 0 है, इसका मतलब 2 से कट होगी। 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कट होगी। 5 × 6 = 30 0 5 6 30 5 3 15 3 से 3 2 6 3 1 3 3 7 21 7 7। तो 630 का क्या आ गया? 2 × 5 × 2 × 5 × 3 × 3 × 7। अब देखिए इसका अगर हम मासा निकाले, देखिए इसका मासा क्या निकलेगा। मासा में वही चीज निकालते हैं जो चीजें कॉमन हो। देखिए 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो 2। और देखिए इसके बाद 2 यहाँ है पर यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर अगला 2 यहाँ पे है पर यहाँ नहीं, इसका मतलब अगली डिजिट क्या आएगी मेरी? 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 3 तीनों में मिला तो मैंने 3 ले लिया। फिर अगली डिजिट फिर मेरी 3 है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 × 3 = 9 × 2 = 18। हमारा मासा क्या आ गया? 18। मतलब सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को लिया जाता है जो डिजिट्स तीनों में हो। इससे मतलब नहीं होता है कि एक दूसरे के ठीक नीचे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक 3 यहाँ मिला, अगला 3 मेरा यहाँ मिला, इसके बाद अगला 3 यहाँ मिला, पर मिला तीनों जगह तो हमने लिख लिया। इसके बाद ये 3 यहाँ था, फिर दूसरा 3 यहाँ था, तीसरा 3 यहाँ था, तीनों जगह मिला, मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए दूसरा भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। सिंपल सा तरीका है, दो छोटी छोटी संख्या पिक कर लीजिए, इससे डिवाइड करिए। 1 टाइम गया 391, बचा 4 और 3। अब 34 को 391 जो रिमाइंडर बचता है उसको इस वाली डिजिट को अंदर करते चले जाते हैं और डिवाइड करते चले जाते हैं। तो जब इससे देंगे तो याद रखिए 9 टाइम दीजिए, या एक काम करिए 1 टाइम दीजिए, 1 × 1 = 1 = 34, बचा 5 1 = 51 बचा। अब ये कितने टाइम जाएगा? फिर 1 टाइम दीजिए,
फिर बचा 34, कितने टाइम जाएगा 17। अब देखिए 17 बचा तो अब ये वाली डिजिट अंदर चली आएगी, तो 17 2 30, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 17। इस पे याद रखिए कि ये डिजिट में पहले डिवाइड किया तो ये डिजिट अंदर आ गई, दोबारा जब रिमाइंडर इस ये बचा इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा तो अब की ये वाली डिजिट अंदर आ गई, जब ये कट गई तो मेरा 17 यहाँ पे आंसर हुआ। अब इस 17 से बची हुई इस डिजिट को कट करिए, 17 3 51 1 और 17 1 17 कट गया, तो इसमें आंसर हमारा ये नहीं होता, ये होता है आंसर जिससे मेरी डिजिट कट जाती है, तो आंसर इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 17। खत्म, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं लासा। 63 108 और 36, इसमें भी सबसे पहले 63 का लासा निकालिए, 3 2 6 3 1 3 3 7 एंड 7 बंदा, क्या आ गया 3 × 3 × 7। अब ऐसे ही 108 का एलसीएम निकालिए, 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 7 21 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3। तो देखिए इसमें क्या आया 3 9 27 है बेटा, ध्यान रखिएगा 108 is equal to 2 × 2 × 3 × 3 × 2 3 × 3 × 3 × 3। अब 36 का फाइंड आउट करेंगे, 2 18 2 9 3 एंड 3, क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 3। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि यहां पे देखिए 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 3 की पावर मैं लिखूंगी 3। यहां पे 3 कितनी बार लिखा है 3 बार, तो मैंने यहां 3 की पावर 3 लिखी। यहां पे भी 3 2 बार लिखा है तो मैंने यहां 3 की पावर 2 लिखी। इसमें जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, जो चीज सबसे ज्यादा बार लिखी हो, देखिए 3 की पावर 3 सबसे बड़ी है, 2 भी छोटी है, ये 2 भी छोटी, तो सबसे पहली चीज क्या बाहर आ जाती है हमारी 3 की पावर 3, ये हमारा लासा होता है। ठीक, अब देखिए 2 की पावर 2 यहां भी 2 बार है, 2 की पावर 2 यहां भी 2 बार है, तो 2 की पावर 2 भी मेरी बाहर आ गई। ठीक, अब मेरा केवल और केवल 7 बचा, तो 7 को छोड़ते नहीं है, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब तीनों में से जो संख्या की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती वो संख्या लिखते हैं, जैसे यहां 3 की आवृत्ति इन दोनों संख्याओं से सबसे ज्यादा बार थी इसलिए 3 की पावर 3 लिखा, 2 दोनों संख्याओं में था लिख लिया, 7 यहां से बच गया था इसको लिख लिया। मतलब इसमें किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं, सारी संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, इसलिए इसका आंसर बड़ा आता है 3 3 9 2 2 4 × 7 9 4 36 × 7 7 6 42 carry 4 7 3 21 and 4 52, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों को भाग विधि से मासा, गुणनखंड विधि से मासा, भाग विधि से मासा और गुणनखंड विधि से लासा निकालना आपको समझा दिया गया। अब इसी तरीके से सम्स की प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।